जिसके चेहरे को देख जूही चावला ने उड़ाया था मजाक, वो आज बॉलीवुड का सुपरस्टार। जहां हर कोई आना चाहता है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता है, मगर आपको यह बेहतर पता होगा कि बॉलीवुड बाहर से जितना चमकता है अंदर से उतना ही अंधेरा भी है। हम सभी अक्सर बॉलीवुड के अभिनेता व अभिनेत्री से जुड़ी आए दिन कई सारी खबरें सुनते हैं। वहीं ये बात भी 100% सच है कि इस इंडस्ट्री में मेहनत कर नाम कमाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन वहीं इसमें से कई लोग सफल भी हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि जो आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उन्हें इस इंडस्ट्री में आते ही सुपरस्टार बना दिया गया था। इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत छिपी होती है, जिस वजह से वो इस मुकाम पर है। आज हम आपको एक ऐसे ही सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बॉलीवुड में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। इन बॉलीवुड सितारों को ये शोहरत ना जाने कितनी ही मुश्किल के बाद हासिल होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी जूही चावला की, जो कि बॉलीवुड की हिट अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। जूही चावला बेहद ही खूबसूरत है और आज उनके लाखों करोड़ों फैन भी हैं। जूही ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने बड़े से बड़े सुपरस्टार के साथ काम भी किया है। असल में यहाँ जूही चावला के साथ साथ एक ऐसा वाकया हुआ था जो किसी के भी दिल को ठेस पहुँचा सकता था। असल में एक फिल्म के दौरान जूही ने बताया कि उन्होंने बातों ही बातों में एक ऐसे अभिनेता का मजाक उड़ा दिया था जो आज बॉलीवुड पर राज करता है, जिसे आज हम सब बॉलीवुड के किंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं किंग खान यानी कि शाहरुख खान की। यह पूरा मामला उस वक्त का है जब एक टीवी कार्यक्रम के दौरान जब अभिनेत्री जूही चावला से बताया गया कि उनकी इस फिल्म का हीरो आमिर खान की तरह लगता है, मगर जब जूही ने फिल्म के हीरो को देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा और बरबस ही उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये किस तरह से किसी भी फिल्म का हीरो लगता है। असल में ये सारा मामला उस वक्त का है जब फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की बात चल रही थी, जिसके हीरो शाहरुख खान थे। बता दें कि उस वक्त अभिनेत्री जूही चावला ने बताया कि उन दिनों शाहरुख खान काफी दुबले पतले थे और उनका रंग भी उतना साफ नहीं था, वो थोड़े सांवले भी थे, इसलिए उस समय अचानक ही मेरे मुंह से वो बात निकल गई। जूही ने ये भी बताया कि जब उन्होंने शाहरुख के साथ इस फिल्म में काम किया तो उन्हें सच में बहुत ही ज्यादा मजा आया था।